सिद्धांत तो ये स्पष्ट है कि जिन लोगों ने खर्च का महाउत्सव मनाया था 3 दिनों तक, आज वो सन्नाटे में पड़े हुए हैं। तो जाहिर है वो 400 पार का गुब्बारा फट गया, जहां तक उनकी राजनीति को मैं समझता हूं। और जो तेजस्वी जी बार बार कह रहे थे कि 4 जून के बाद कुछ बड़ा हो सकता है, संभवतः नीतीश जी या फॉर दैट मैटर चंद्रा बाबू, वो दोनों चाहेंगे कि देश को इस आत्म केंद्रित आत्ममुग्ध एक वेंडेटा वाली पॉलिटिक्स से दूर ले जाया जाए। रुझान तो ये स्पष्ट है कि जिन लोगों ने खर्च का महाउत्सव मनाया था 3 दिनों तक, आज वो सन्नाटे में पड़े हुए हैं। कुल बीजेपी की अपनी सीट 230-32 पे जा रही है, बहुमत से अभी भी दूर है। और अगर मैं चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी को और यहाँ जेडीयू को थोड़ा विलग कर दूं तो मेजोरिटी भी नहीं है। तो जाहिर है वो 400 पार का गुब्बारा फट गया है। बस कष्ट इस बात का है कि बिहार में मतगणना की गति धीमी है। तकरीबन 40 कॉन्स्टिट्यूएंसी में अभी हमने बात की है 2 से 2.25 लाख वोट की ही गिनती हुई है, जबकि पूरे देश में लगभग आधे से ज्यादा राउंड खत्म हो चुके हैं। यहाँ 3 राउंड 4 राउंड 5 राउंड मैक्सिमम है। तो मैं आग्रह करूंगा चुनाव आयोग से इस पर फौरी तौर पर ध्यान दें। लेकिन सबसे अजीब बात ये देखा जा रहा है कि नीतीश कुमार जी का स्ट्राइक रेट तो सबको चौंका रहा है। देखिए, मैं एक बात बार बार कहूं, आपसे कहता हूं कि नीतीश जी इस गठबंधन के सूत्रधार भी थे, हालांकि बाद में उन्होंने निर्णय लिया। लेकिन मुझे जहां तक उनकी राजनीति को मैं समझता हूं, और जो तेजस्वी जी बार बार कह रहे थे कि 4 जून के बाद कुछ बड़ा हो सकता है, तो संभवतः नीतीश जी या फॉर दैट मैटर चंद्रा बाबू, वो दोनों चाहेंगे कि देश को इस आत्म केंद्रित आत्ममुग्ध एक वेंडेटा वाली पॉलिटिक्स से दूर ले जाया जाए, ऐसा मेरा विश्वास है। आप लोग उम्मीद करते हैं कि नीतीश जी, और आप लोग कोशिश करेंगे कि नीतीश जी को आप बताएं कि भाई इधर आना है, आप इसके सूत्रधार रहे हैं? देखिए, मैंने जो कहना था मैंने कह दिया। नीतीश जी के साथ हम विरोध में भी रहे, लड़े भी, साथ में काम भी किया, लेकिन इतना हम जानते हैं उनकी राजनीति फासिस्ट ताकतों के खिलाफ रही है। उन्हें आत्ममुक्तता पसंद नहीं आई, तानाशाही कभी किसी की पसंद नहीं आई। मैं समझता हूं उसी अनुसार निर्णय लेंगे। एक सवाल और आपसे कि कई लोग कह रहे थे नीतीश जी जो है डबल डिजिट में नहीं जा पाएंगे, और कई तरह की बात की बीजेपी 400 पार जाएगी ही जाएगी। देखिए, नीतीश जी डबल डिजिट में नहीं जाएंगे अगर ऐसा नहीं था कभी भी, नहीं तो जिस तरह से बीजेपी ने उनको घेर करके उनको अपने साथ लाया, तो उसी समय हमें लग गया था कि हताशा बीजेपी के अंदर काफी है। लेकिन महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि 400 पार आज 230 पे स्ट्रगल कर रहे हैं, 230 पे। ये अपने आप में संदेश है कि लोकतंत्र में आपकी आत्ममुग्धता, आपका अहंकार इतना न चला जाए ना कि आप वोटर को तुच्छ समझने लगे। मैं समझता हूँ ये परिणाम उसी दिशा में इंगित कर। उत्तर प्रदेश का रिजल्ट चौंका रहा है, बड़े बड़े चेहरे वहाँ पे हार रहे हैं, बहुत पीछे चल रहे हैं अभी। देखिए, उत्तर प्रदेश का रिजल्ट मैं सच कहूँ तो एग्जिट पोल में सिर्फ जिन लोगों ने यकीन किया था वो मान रहे हैं कि चौंका रहा। जितनी हमें खबर थी उत्तर प्रदेश से अलग अलग, खास करके पूर्वांचल के पूरे इलाके से, वहाँ लगभग सफाया हो रहा है। खुद मैं देख रहा था कि कैबिनेट मिनिस्टर 60-70 हजार से पीछे चल रही है। तो ये एक संदेश है जो मैं बार बार दोहराऊंगा कि लोकतंत्र में किसी भी व्यक्ति का अहंकार भारी पड़ता है। और अभी तो देखिए नीतीश जी और चंद्रा बाबू जी क्या फैसला करते हैं।